अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यम्मी, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की रेसिपी, जो है क्रीमी पोमेग्रेनेट डिलाइट। उसके लिए हमने 2 पैकेट फ्रेश क्रीम लिया है, कैरामल पाउडर है 1 पैकेट, 1/2 कप दूध है और कंडेंस मिल्क है। वो हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे क्योंकि कैरामल पाउडर भी मीठा रहता है, और 1 कप अनार है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम जो है ये फ्रेश क्रीम, कैरामल पाउडर, दूध, इन सबको अच्छी तरह से बीटर से बीट करना है। बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसे हम बीट करेंगे। मीडियम स्पीड पे ही हमें बीट करना है इसे। अब हम इसमें जो है कंडेंस मिल्क डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से डालिएगा आप भी। जो है 1/2 कप दूध डालेंगे। इसे 10 से 15 मिनट तक हमने इसी तरह से मीडियम स्पीड पे ही बीट करना अच्छे से। हम जो है इसमें और 1 स्पून कंडेंस मिल्क डालेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें चाइना ग्रास डालने वाले हैं। हम बता रहे हैं हमने कैसे बनाया है, उसमें शक्कर बिल्कुल नहीं है, बहुत 1 टीस्पून ही है। तो वो हिसाब से आप इसके स्वीटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। दस से 15 मिनट हो चुके हैं हमको इसको बीट करते अच्छी तरह से। अब जो है हम इसमें चाइना ग्रास डालेंगे। हमने जो है 2 कप पानी लिया था और उसमें 1/2 टेबल स्पून चाइना ग्रास डाल के उसको पकाया, और 1 पिंच चुटकी भर नमक डाले और 1 टीस्पून शक्कर डाले थे क्योंकि एकदम फीका ना लगे चाइना ग्रास, और उसको पका के बॉईल करके मतलब सेट करने रख दिया था। हार्ड होना चाहिए चाइना ग्रास, जो है सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए ताकि हम उसको ग्रेट कर सकें इस तरह से। तो ये रेडी है, अब हम ये इसमें ऐड करेंगे। मिक्स करना है अच्छी तरह से। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रिज में जब आप ठंडा करने रखोगे तो ये और थिक हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, पतला भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा। इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। इसमें अब हम अनार डालेंगे।
हमें इसे पकाना नहीं है, बस इस तरह से बीट करके क्रीम को रख देना है सेट होने के लिए। तैयार है, हमने जो इसे इस तरह से ग्लास में निकाला है और अनार के दाने डाले हैं, सिल्वर बॉल्स डालेंगे, आप आपकी पसंद के हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मज़ेदार यम्मी से क्रीमी पोमेग्रेनेट डिलाइट तैयार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।